तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ है। तो गाइस बात करने वाले हैं लियो को, और रिलीज हुआ तीसरा दिन है। तो बात करेंगे तीसरे दिन पर ये मूवी कितना कलेक्शन कर रही है और क्या अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा इस मूवी ने टोटल पिछले दो दिनों का जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना कर लिया है उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के बजट और स्टार कास्ट की भी बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस इस मूवी के लीड रोल की बात की जाए तो इस मूवी के लीड रोल में आपको विजय थलापति, संजय दत्त, त्रिशा कृष्ण और अर्जुन सारजा जैसे बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी की अगर मैं बजट की बात करूँ तो मूवी का जो बजट है वो है 300 करोड़ रुपये का, बहुत ही बड़ा बजट है। तो आप बात कर लेते हैं इस मूवी के कलेक्शन की। तो गाइस डे वन का ऑफिशियल कलेक्शन मेकर्स की तरफ से जारी कर दिया गया है, और जो डे वन पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है वो किया है 148 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी बन चुकी है। बात करें डे टू के क्या नंबर निकल कर आए हैं तो डे टू की भी बात कर लेते हैं। डे टू पर जो इस मूवी ने इंडिया से कलेक्शन किया है तमिल से, वो निकल कर आया है 29 करोड़ 4 लाख रुपये, तेलुगु से 4 करोड़ 50 लाख रुपये, हिंदी से 1 करोड़ 60 लाख रुपये और कनाडा से 11 लाख रुपए। इस मूवी को टोटल 4 लैंग्वेजेस में ही अभी रिलीज किया गया है। टोटल जो इस मूवी का डे टू का इंडिया से नेट कलेक्शन निकल कर आया है वो है 35 करोड़ 25 लाख रुपए, और ये ग्रोस कलेक्शन बनता है 39 करोड़ रुपए। वहीं ओवरसीज से भी इस मूवी ने 29 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रोस कलेक्शन की है। टोटल डे टू का जो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन निकल कर आया है वो है 68 करोड़ 50 लाख रुपए। यो इस मूवी के दो दिनों के कलेक्शन मिला दिए जाए तो इस मूवी का टोटल दो दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 217 करोड़ रुपए, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही बड़ा और ब्लॉकबस्टर कलेक्शन कर लिया है। बात करें आई डे थ्री पर इस मूवी का क्या अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है, तो जो इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकल कर आ रहा है इस मूवी का आज डे थ्री पर वो निकल कर आ रहा है 43 करोड़ रुपये, और ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन निकल कर आ रहा है अर्ली एस्टिमेट 31 करोड़ रुपये। टोटल जो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है आई डे थ्री का वो निकल कर आ रहा है 74 करोड़ रुपए। यू इस मूवी का टोटल तीन दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो जाता है 291 करोड़ रुपए, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही बड़ा और एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन कर लिया, और ये मूवी एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। बाकी इस मूवी के रिव्यूज़ की बात की जाए तो मूवी के रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं और सारे ही पॉजिटिव देखने को मिले हैं, और जिस जिसने भी इस मूवी को देखा है उसने इसकी तारीफ ही की है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी ही और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ डालता ही रहता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।